कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर केजरीवाल को बाहरी नेता करार दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धू या सरदार सुच्चा सिंह छोटे पर मुख्यमंत्री बने तो चलेगा, लेकिन बाहरी नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहा कि केजरीवाल पंजाब का भला नहीं कर सकते। होशियारपुर में कांग्रेसी कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह केजरीवाल को कोसना नहीं भूले। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धू या सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर मुख्यमंत्री बने तो चलेगा, लेकिन बाहरी नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि खुद सामने आकर इसका ऐलान करें कि वो पंजाब के सीएम नहीं बनना चाहते। छोटेपुर बनावे, सिद्धू बनावे, प्रगट सिंह बनावे, जो मर्जी बनाओ पंजाबियों, ये थोड़ा संवैधानिक हक है, लेकिन ये कोई हक नहीं कि तुसी बाहरले सूबे दे आके इत्थे साडा राज करन दी कोशिश करो जां तुहानू पंजाब दा कुछ पता नहीं। ये कहना है कि सतपाल खेरे तो उन्हें बयान दवाता कि मैं जी नहीं साडा प्रधान नहीं बनूगा, तो आप क्यों कहना उठ के बोल प्रेस नूं कि तू पंजाब दे विच मुख्यमंत्री बनना चाहुंदा या नहीं। मर्जी पंजाबी जिन्ने मर्जी पार्टियां बनाओ, लेकिन अगर बाहरला कोई आके इत्थे साढ़े ते राज करना चाहता है कि मैं अमरिंदर सिंह इन्हां नूं आउण नहीं देना है केजरीवाल नूं, जिथों मर्जी लड़े मैं इहदे खिलाफ लड़ूंगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के साथ पंजाब का कई मसलों पर विवाद है, ऐसे में केजरीवाल पंजाब का भला नहीं कर सकते। टोपियाले आ गया दिल्ली दे विच, और ये कौन केजरीवाल हरियाणे दा जिहदे नाल सारे धक्के साढ़े हरियाणे दे नाल साढ़े झंडे ने, चंडीगढ़ का झगड़ा उन्हां नाल, पंजाबी बोलते इलाके उन्हां नाल, अबोहर फाजिलका उन्हां नाल, चंडी और की उन्हां नाल, पानी सब तो वड्डा मसला उन्हां नाल ही झगड़ा, और ये साडा मुख्यमंत्री बनना चाहुंदा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष इससे पहले भी केजरीवाल को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती दे चुके हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, होशियारपुर।